कई महीने से हॉस्पिटल के बेड पर हैं अमर सिंह, और ऐसे में जब भी वो खबरें पढ़ते हैं और जहां उन्हें लगता है कि बोलना चाहिए, वो हॉस्पिटल पे के बेड पर लेटे लेटे ही बोलना शुरू कर देते हैं। जिसको धक्याना होता है, जिसको लतियाना होता है, जिसको खरी खरी सुनानी होती है, वो वहीं सुनाते हैं। और इस बार उनके लपेटे में आ गए पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह। दरअसल डॉक्टर मनमोहन सिंह ने एक बयान जारी किया था चिदंबरम से मिलने के बाद जेल में, कि कैसे एक जो फैसला होता है कोई मंत्री लेता है तो उस अकेले का फैसला नहीं होता है, वो सामूहिक फैसला होता है। अधिकारी कई स्तर पर जांच करते हैं, वो भी उस फैसले में शामिल होते हैं। इसलिए चिदंबरम के मामले में चिदंबरम ने भी पहला ट्वीट जो किया था जेल से, अपने बेटे से करवाया था, कि कैसे जिन अधिकारियों ने उसे पास किया उनसे किसी ने कुछ नहीं कहा। जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट का मसला था, बाद में चिदंबरम ने साइन किए और चिदंबरम के ऊपर रख दिया गया, ऐसा चिदंबरम का आरोप था। ये अलग बात है कि उसमें तमाम सारे गवाह सबूत उनके खिलाफ हैं। तब मनमोहन सिंह ने जब ये बात कही, तब अमर सिंह ने बड़े वाजिब सवाल उठाए हैं कि आखिर ए राजा क्यों जेल में रहे, कनिमोझी क्यों जेल में रहीं, सुरेश कलमाड़ी को क्यों जेल में भेजा गया। जब सब सामूहिक फैसले थे तो उनके लिए जिम्मेदार बाकी मंत्री कैबिनेट मनमोहन सिंह क्यों नहीं थे, तब उन्हें क्यों नहीं बचाया गया, खुद अमर सिंह को क्यों जेल में भेजा गया। सुनिए उन्होंने क्या कहा। और हमारे अच्छे दोस्त और देश के काबिल नेता विख्यात अर्थशास्त्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की यह उक्ति कि कैबिनेट का निर्णय सामूहिक होता है और कई परतों दर परत कई बार कई सचिव और कई डेस्कों से होते हुए जब सर्वसम्मति से किसी संबंध मंत्रालय के मंत्री के पास कोई फाइल जाती है तो वह हस्ताक्षर करता है और उस हस्ताक्षर के बाद उसके निर्णय के लिए वह अकेला जिम्मेदार नहीं होता, बल्कि पूरी की पूरी कैबिनेट उसकी सामूहिक जिम्मेदारी होती है। डॉक्टर साहब, अगर ये सत्य है तो मैं विनम्रता से पूछना चाहता हूं, तो डॉक्टर ए राजा यही बात तो कहते कहते तिहाड़ जेल में अपना समय बिता दिए, उन्हें बंद क्यों किया गया? वह भी आपके कैबिनेट के मंत्री थे, उनके द्वारा लिए गए निर्णय भी सामूहिक थे, फिर वो जेल में क्यों गए? करुणा निधि जी की लड़की कानमोजी जेल में क्यों रही? सुरेश कलमाड़ी वह सिर्फ खेल समिति के अध्यक्ष थे, वह आपके साथ मंच पर सिर्फ कप का आदान प्रदान करते थे, और जो ब्रिज टूटा था दिल्ली में वह दिल्ली सरकार के प्रशासन के अंतर्गत था। अगर कोई भ्रष्टाचार हुआ होगा तो सरकारी अधिकारियों द्वारा हुआ होगा, तो फिर सुरेश कलमाड़ी क्यों, फिर राजा क्यों, और पूरी की पूरी कांग्रेस की मशीनरी सामूहिकता के साथ इंडो यूएस न्यूक्लियर डील के समय आपकी सरकार को बचाने में लगी थी। तो अमर सिंह लगातार अपनी प्रेजेंस बनाए हुए हैं, आपने देखा होगा मैक्स हॉस्पिटल में इस वक्त बेड पर लेटे हुए हैं और लगातार किसी ना किसी को निशाने पर ले रहे हैं। एक उम्र थी जब वो समाजवादी हो गए थे और अब एक उम्र का ढलान है, बेड पर हैं और अब वो संघी हो गए हैं। बाकी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज, सब्सक्राइब करें इन खबर। थैंक यू, नमस्कार। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।